इसमें रोहान रहीम चैप्टर नंबर टेन सिंपल हारमोनिक मोशन एंड वेव्स स्टूडेंट्स आज हमने ये टॉपिक्स जो कवर करने हैं इसके अंदर ये आपके पास सिंपल हारमोनिक मोशन है इसके बाद वेव्स एंड इट्स टाइप्स दैन डिफरेंस बिटवीन अलैक्ट्रोमैगनेटिक एंड मकैनिकल वेव्स टाइप्स ऑफ वेव्स फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वी विल स्टडी वेव इक्वेन रिपल टैंक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें से आज का आपका टेस्ट पिक किया जाएगा ये एक चैलेंजिंग टेस्ट है अगर आप इस टेस्ट को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं तो यकीन आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इनहस होगी और बहुत ज्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल होगी बस आपने ये करना है कि जो भी टेस्ट है जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे यह चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ पे अपीयर यह होंगे थोड़ी देर में आपने क्या करना है कि ये सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस जब अपीयर हो जाएंगे तो इसको आपने हाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास कर लेना है इन सारे क्वेश्चंस को आपने अपनी बुक नोटबुक के ऊपर करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं और एट दी एंड जब आप इस चीज को देख लें तो फिर आपने क्या करना है कि जो इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है जो इस नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपको मिल जाएगा आई मीन नेक्स्ट अपकमिंग जो आपके पास स्लाइड्स आएंगे उसमें इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको तो आपने जस्ट क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन विच इज़ वाइब्रेटरी बट नॉट द सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर पॉज करना है इसका आंसर लिखना है और फिर सेकंड क्वेश्चन आप ये रोका उसका आंसर लिखना है और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आंसर्स आप अपने पास किसी नोटबुक के ऊपर किसी चीट के ऊपर लिख के रख लेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे इसके सोल्यूशन के साथ यानी कि अपना पेपर आप खुद ही चेक करेंगे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके तो इस तरीके से जाहिर है कि जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तैयारी करेंगे तो चैप्टर टेन के अंदर या सिंपल हारमोनिक मोशन वाले चैप्टर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपकी है तो वो डेफिनेटली रूट आउट हो जाएगी खत्म हो जाएगी और आप इस चैप्टर को मास्टर कर पाएंगे सो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं वो है कि बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन वाई आपसे पूछ रहा है कि एक बॉल जब उसको एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया जाए तो वो फ्लोर के ऊपर ग्राउंड के ऊपर वो बाउंस होती रहती है अब क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप तो नहीं है लेकिन क्यों नहीं है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी तो ऐसे ही एक मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है कौन सी ऐसी इसमें पॉइंट्स से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको सिंपल हारमोनिक मोशन से डिफ्रेंशिएट कर रही है मीन सिंपल हारमोनिक मोशन नहीं है किस वजह से वो आपने बताना है थर्ड ए के वर्ड नेगेटिव साइन इन द रिलेशन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स इंडिकेट्स अगर आपको Uh, याद हो और आपको पता होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ये वो रिलेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज़ के मोशन के लिए अगर आप ये रिलेशन ड्राइव कर पाते हैं तो इट मीन्स कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इस रिलेशन को डिराइव नहीं करना भी आपने सिर्फ आपने ये बताना है इस चीज को कि लॉजिक देनी आंसर देना है कि ये माइनस साइन जो एक्स के साथ है ये क्या है क्योंकि ए तो एक्सेलेशन है दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल एंड ये आपके पास जो वो डिस्प्लेसमेंट है अब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट माइनस एक्स लिखा हुआ है ये माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ का आंसर अच्छा आपने करना है इसके बाद है कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आपने दो चीज़ें पढ़ी थी एक ये कि दो तरह की वेव्स होती हैं एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको मीडियम रिक्वायर होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन फॉर देयर ट्रैवल

के उसकी जो वेव की स्पीड है उसकी वेव लेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है कौन सी चीज चेंज होती है और कौन सी चीज कॉन्स्टेंट रहती है उसके बाद नेक्स्ट है वट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंट इन रिपल टैंक रिपल टैंक के अंदर जब आप लाइक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं तो आपको दो तरह के फ्रिजेस दो तरह की लाइंस आपको अपीयर होती हैं एक ब्राइट फ्रिंजेस जिनके ब्राइट लाइंस और सेकंड होता है डार्क फ्रिंजे या डार्क लाइन तो ब्राइट और डार्क फ्रेंजेस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज को शो करते हैं ये आपने बताना है इसका सलूशन भी आपको मिलेगा उसके बाद है कि हाउ कैन सर्कुलर वेव्स बी इन द रिपल टैंक एंड वट विल बी देव लेंथ इन दिस केस कि सर्कुलर वेव्स रिपल टैंक में आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो और सर्कुलर के वेव्स के केस में जो वेव लेंथ उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे या वो क्या होगी और लास्ट क्वेश्चन है कि अ सिंपल पेंडुलम कम्पलीट टू वाइब्रेशन इन अ सेकंड

The wipers of a car undergo vibratory motion when they are switched on, but they do not undergo simple harmonic motion because there is no restoring force in this case, and also, acceleration is not directly proportional to its displacement from the mean position. देखें आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन हैं अगर कोई भी बॉडी कोई भी मोशन इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही तो आप कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है यहाँ भी क्वेश्चन और नॉर्मली नॉर्मली ये होता है कि जितनी भी वाइब्रेटरी मोशन है नॉर्मली मैक्सिमम जितनी भी वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती हैं फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ स्विंग अगर आप देखें तो वाइब्रेटरी मोशन भी है सिंपल हारमोनिक मोशन भी है मोशन ऑफ सिंपल पैंडुलम वाइब्रेटरी मोशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है एक मैस अटाइच स्प्रिंग सिस्टम है तो उसको जब आप स्ट्रेच करके छोड़ते तो वो भी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में टू एंड फ्रो मूव करता है यानी वाइब्रेटरी मोशन भी है सिंपल हारमोनिक मोशन भी है नॉर्मली जो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है लेकिन कुछ वाइब्रेटरी मोशन ऐसे हैं जो कि सिंपल हारमोनिक मोशन नहीं है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं इस केस में कि के जो वाइपर्स ऑफ द कार हैं जब उसको आप चलाते हो रन करते हो तो लेफ्ट राइट मूव करते हैं वाइब्रेटरी मोशन है बट सिंपल हारमोनिक मोशन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें एक एक्सेलरेशन तो जो है वो नहीं है आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा ये वो केस नहीं है और सेकेंडली यहाँ पे आपके पास जो है वो रिस्टोरिंग uh, फोर्स नहीं है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से जिसकी बेस के ऊपर वो खुद मूव कर करते जब शुरू में आप उसको डिस्प्लेस कर देते हो उसके बाद खुद से वो मूव करता है जो कि इस केस में नहीं है रिस्टोरिंग फोर्स सेकेंड क्वेश्चन था कि बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई कि जब एक बाल को आप एक सर्टन हाइट से ड्रॉप करते हो गिराते हो तो क्या होता है ऊपर नीचे ठक 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 लाइक हर दफा वो एम्पलीट्यूड एक खास एम्पलीट्यूड तक जाता है फिर राउंड मूव करता है फिर बाउंस होता है फ्लोर से फिर एक हाइट तक जाता है फिर बाउंस होता है फिर हाइट तक जाता है करते 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 अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ जाते हैं तो आपने ये बताना है इसमें कि क्या ये सिंपल हारमोनिक मोशन है लेकिन नहीं ये वो बता रहे कि ये सिंपल हारमोनिक मोशन नहीं है क्यों नहीं है इस क्यों का आंसर आपने करना है इसकी रीजनिंग आपने देनी है कि जो बाउंसिंग बॉल है इसकी मोशन को आप सिंपल हारमोनिक मोशन क्यों नहीं कहेंगे सो इसका आंसर ये है

लेफ्ट राइट right, या आगे पीछे जिसके बाद लेकिन इस केस में वो चीज नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड को लेट्स लेफ्ट साइड पॉइंट लेते हैं फॉर एग्जांपल जो कि आप नहीं ले सकते लेकिन उस लाइक like, एक डायरेक्शन में अपवर्ड तो इसका अंडर द ग्राउंड तो द्राउंड नहीं है तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें एक तो मेन पॉइंट फिक्स नहीं है और सेकेंड क्या है कि वहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों साइडों पर नहीं है जस्ट एक डायरेक्शन में ओके थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द रिलेशन ए डायरेक्टली पोर्शन टू माइनस एक्स इंडिकेट्स कि इस रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ये तो बात क्लियर है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है बट द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है तो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन उसके अपोजिट और वो ज्यादा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज यहां पे फिगर में मैंने आपको शो कराई भी है कि यहां पे देखें यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है पेंडुलम की लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड फ्रॉम ए टू बी बी टू ए ए टू बी बी टू ए ए टू बी बी टू ए इस तरीके से तो यहाँ पे देखें कि जीरो से जैसे ही बी की तरफ जाता है तो जहरा इसका डिस्प्लेसमेंट मेन पॉइंट ये बढ़ रहा है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बी तक है ठीक है इसी तरीके से जीरो से ओ से लेके ए तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये यहाँ तक ए तक है तो जैसे आप मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाते हैं तो वो जहरा उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता रहता है लेकिन अगर आप देखें कि अच्छा तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जहरा जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पॉइंट है ठीक है बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये चीज रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक्स के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं कि एक्सेलेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं बट इनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट तो ये माइनस साइन के साथ इसको इंडिकेट किया जाता है नेक्स्ट है कि वाई इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता उनकी प्रोपेगेशन के लिए वॉ है क्यों

बिकॉज दीज वेव्स आर फॉर्म्ड बाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब ये, जो waves होती ये कैसे फॉर्म होती हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड को जनरेट करती है फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है किसी और मीडियम के साथ इनका कोई वास्ता कोई लेना देना कोई लिंक नहीं है मीडियम है तब भी ठीक है नहीं है तब भी ठीक है सो so, यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक्स डो नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपिगेशन बिकॉज दीज वेव आर फॉर्म बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिवली एंड उसके बाद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय अफिनोमिना कार्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अफिनोमिना कार्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिजम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई और रिपीट कर रहा हूँ इस बात को आप इसको क्वेश्चन सुनिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अब ये चीज भी आप आ, टेंथ क्लास के नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फिफ्टी में आप पढ़ेंगे लेकिन आ, आपको इसको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है ये म्यूचुअल इंडक्शन है इन द सेंस के लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रही है अल्टरनेटिवली ठीक है ना और इलेक्ट्रिक uh, फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है इस प्रोसेस को आप कहते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड electromagnetic induction इंडक्शन सॉरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इजरेटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई अ फिनोना कॉल्ड इलेक्ट्रो मैगनेटिज्म जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं इस फिनोना को आप कहते हो इलेक्ट्रो और यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपके पास रेड से कलर की ये फील्ड नजर आ रही है लेकिन सनोसाइडल वेव है एक ठीक है ये ट्रांसफर्ट वेव की तरह अब चूंकि ये एंगल ऐसा है कि आपको ये बिल्कुल ट्रांसफर वेव नजर नहीं आ रही बट ये लाइक जैसे कि ग्राउंड के ऊपर बिछ भी ये ट्रांसफर वेव है इसको ये रेड कलर की जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ब्लू कलर की ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइक जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है जहाँ पे वो इसका जीरो पॉइंट आ रहा है इसका भी जीरो पॉइंट है एंड सो लाइक दिस लाइक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें कोई थर्ड चीज़ नहीं है और इस तरीके से ये ट्रेवल करती है थ्रू मैक्सिमम डिस्टेंस और नॉर्मली इनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है

स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम ठीक है आगे एफ लेमडा यहाँ पे चूंकि आपने लेमडा या वेवलेंथ फाइंड करनी है ठीक है तो आपने ये एफ फ्रीकुवेंसी जो है दूसरी साइड पर ले जानी यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगी सो एस ओवर टी एफ इजिकल टू लेमडा एस आपके पास डिस्टेंस है टी टाइम और एफ फ्रिकुवेंसी है डिस्टेंस की जगह पे फाइव मीटर टाइम की जगह पे टेन सेकेंड फ्रीकुनसी की जगह पे टू हर्ड्स तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव और यहाँ पास वेवलेंथ की वैल्यू होगी जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर ओके जी क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हेन वाटर वेव्स अंडर गो रिफ्रेक्शन वट चेंजेस अकर इन द स्पीड वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स कि जब वाटर वेव्स uh, के अंदर रिफ्रेक्शन uh, होती है ठीक है ना तो उसके स्पीड के अंदर उसकी वेवलेंथ के अंदर, 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 अंदर फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं ये क्वेश्चन है वैन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्राम डीप टू शेलो वाटर इन अ रिपल टैंक

एंड वेन वाटर वेवस एंटर इन शेलो वाटर जहाँ पे उसकी गहराई कम है देर वेवलेंस डिक्रीजेज एंडहेंस द स्पीड वहां पर उसकी वेवलेंट डिक्रीज क्योंकि वो शेलो वाटर में है वहां पर स्मॉलर वेव प्रोड्यूस होंगे या स्मॉलर वेव्स होंगी वहाँ सोलर वेवस होंगी तो वहां पर कि वेवलेंस कम हो जाएगी और वेवलेंस जो जब कम होगी तो उसकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा और स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी कैसे वो आगे हमने रिलेशन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है साथ करेंगे बट द फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्यों जहाँ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं है उस वाइब्रेटर की जो फ्रिक्वेंसी है एंड वाइब्रेटर इज ऑपरेटेड बाई अ मोटर होज फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लम्डा या, या आपके पास वेव इक्वेजन है स्पीड इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ यहाँ पे हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो वो कांस्टेंट है डायरेक्ट कॉन्स्ट वाइब्रेटर के ऊपर डिपेंड करे तो यहाँ पे एफ कांस्टेंट है और ये इक्वल का साइन है इन दोनों को मिला के आप प्रोपोर्शनलिटी बना देंगे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा और यहाँ पे आपको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी होती है इसके बाद आप प्रोपोशनैलिटी को खत्म करते हैं कोई इक्वल का साइन है तो एक कॉन्स्टेंट आता है और इस केस में जो कॉन्स्टेंट है वो एफ है सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि विलासिटी और वेवल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रिफ्लेक्शन के केस में जब वाटर डीप वाटर जब वाटर वेव्स डीप रीजन से शेलो रीजन में आती है तो उनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि उसकी विलॉसिटी भी डिक्रीज करेगी सो so, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सो वी कंक्लूड दैट विलॉसिटी एंड वेव लेंथ बोथ डिक्रीज बट फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट नेक्स्ट है आपके पास यहां पर वट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंट इन अ रिपल टैंक यहाँ पे यकीन करें बड़ी मुश्किल से ये मैंने फिगर बनाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से जो जब रिपल टैंक के अंदर ना हम उसकी जो स्क्रीन होती है नीचे ग्राउंड के ऊपर व्हाइट शीट जो होती है उसके ऊपर हम देखते हैं तो जब ट्रांसफर वेज प्रोड्यूस होती है ऊपर लाइट होती है तो लाइट लैंप से जब लाइट पास करती है वाटर वेव के अंदर स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज देते हैं तो वहाँ पे आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस अपियर हो रहे होते हैं ठीक है अब वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस किस चीज़ को शो करते हैं ये क्वेश्चन है आपका वट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन आर रिप्रेजेंट इन रिपल टैंक the bright and dark fringes on the screen represent crest and trough respectively. bright and dark crest and trough bright joint fringes and your bright joint region have crest and or your dark region above it trough respectively. the crest acts as a convex lens and converges the light which appear as a bright fringe on the screen and the trough acts as a concave lens which diverges diverging mother spread karna. the light uh, which diverges the light.

कन्वेक्स लेंस काम करता है और लाइट को कन्वर्ज कर देता है जहाँ पे आप देख रहे हैं ये कन्वर्ज हो रहा है तो कन्वर्ज मीन्स कि वो गठा कर रहा है जो गट्ठा होता है तो यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे ये आपके पास ब्राइट फ्रेंच के तौर पर ब्राइट रीजन के तौर पर अपियर होगा और यहाँ पे ये यह जो लाइट रेज है यहाँ जैसे इस लोअर रीजन से पास करें तो यहाँ से ये कन्वेक्स लेंस के तौर पर कन्केव लेंस के तौर पे काम करेगा और क्या करेगा कि उसको ये लाइट को स्प्रेड कर देगा यहाँ पे फैला देगा और ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये लेस ब्राइट लेस ब्राइट को हम डार्क कहते हैं डिजेंट मीन कि यहाँ पे ये ब्लैक रीजन होगा ब्लैक कलर का ब्राइट और डार्क जब कहते हैं ब्राइट मीन्स कि जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है और डार्क से मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी कम है तो ये रीजन जो आपके पास है ये डार्क रीजन के तौर पे अपियर होगा और ये बेसिकली शो करेगा आपके ट्रफ को इसी तरीके से लाइक ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क सो चलता जाता है पूरे लाइक रीजन आपके पास एक वेव के जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर उसमें आपको डार्क डार्क uh, और ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ पे अपीयर होते हैं जो कि

द सर्कुलर वेव्स इन द रिपल टैंक कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट वाइब्रेटर पॉइंट वाइब्रेटर से मतलब जैसे कि आपको उसकी पेन है या लाइक कोई भी ऐसे पॉइंटर uh, है लाइक जो सिंगल एक uh, निप की फॉर्म में है जो कि पॉइंट पानी के अंदर ऐसे लाइक uh, इमर्स होती है फिर बाहर निकलती है इमर्स डिप होती है बाहर निकलती है वाइब्रेट करती है, है कभी पानी के अंदर कभी पानी के, के बाहर जैसे आपका नॉर्मल पेडल वाइब्रेटर होता है द सर्कुलर वेव्स इन द रिपल टैंक कैन बी प्रोड्यूसड बाय अ पॉइंट वाइब्रेटर एज अ पैडल इज अ स्ट्रेट एंड प्लेन ऑब्जेक्ट एज अ मीटर रूल जो पैडल होता है आप नॉर्मल रिपर टैंक के तरह पैडल यूज करते हैं जो कि एक स्ट्रेट और प्लेन ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि आपका मीटर रूल होता है वो पानी के अंदर ऐसे लाइक like, टच करता है ऊपर आता है टच करता होगा तो वो वेवस के अंदर प्रोड्यूस करता है सो द वेज प्रोड्यूस बाय द पेडल और प्लेन वेव सर चूंकि पेडल प्लेन है आपका ठीक है तो जिससे जब आप वेव प्रोड्यूस करेंगे उसी की के शेप की मीन्स के प्लान वेव प्रोड्यूस होंगी बट इफ़ वी हैव टू प्रोड्यूस सर्कुलर वेव वी हैव टू चाइन द पेडल

और जहां पे वेवलेंथ की बात है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी तो जहां से नॉर्मली वेव किसी भी ट्रांसफर वेव के अंदर एक क्रस्ट से अगले क्रस्त तक या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक वेवलेंथ होती है इस केस में भी वही है जब सर्कुलर वेव्स होंगी तो उसके साथ भी तो क्रस्ट और ट्रफ होंगे ना सो दीज वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स एंड द वेवलेंथ इन दिस केस इज सेम लाइक अ प्लेन वेव्स दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स तो ये वैसे ही है वेवलेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लास्ट यहाँ पे एक नुमरिकल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम कम्पलीट्स टू वाइब्रेशन इन अ सेकंड एक सेकंड में और दो वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है व्हाट इज इट्स लेंथ तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए तो यहाँ पे आप इसको डाटा बेस यहाँ पे लिख लें कि फ्रीक्वेंसी इसकी अच्छा एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकंड फ्रीकवेंसी होती है इसलिए यहाँ पे टू वाइब्रेशन इन वन सेकंड है मीनस की इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी आपने लिख दिया है फिजिकल टू टू हर्ट टाइम पीरियड ये हर्ट जो वो फ्रीकवेंसी का यूनिट है और ये होता है इक्वल टू पर सेकेंड मतलब वन बाय सेकंड अच्छा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वन बाई टू हर्ड्स यानी कि जीरो पॉइंट फाइव और वन बाय जो है वो सेकंड होता है क्योंकि लाइक हर्ड्स वन बाई सेकेंड होता है और जब अगर वन बाय हर्ट है तो वो सेकंड केकंड so, उसके बाद टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर द रूट एल बाई जी इसको आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक like, पहले आपने क्या किया टू पाई के जाके डिवाइड कर दिया उसके बाद आपने दोनों साइड पर स्के ले लिया अंडर रूट खत्म करने के लिए और उसके बाद फर्दर ये जो जे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया आपने और अल्टीमेटली आपके पास ये यहाँ पे लेंथ के लिए रिलेशन आ गया और आपने इसके अंदर क्या किया कि वैल्यूज वैल्यूज इंसर्ट कर दिए और उसको कैलुलेटर जब आपने कैलकुलेट किया तो आप पास आंसर आ गया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स थ्री मीटर ठीक है और इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली हंड्रेड सेंटीमीटर या वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं सो तो आप हंड्रेड सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सिक्स पॉइंट थ्री सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर टेन सिंपल हारमोनिंग मोशन एंड वेव्स आई होप कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और आपके अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करेगा लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें इसको लाइक करें ताकि चैनल की प्रमोशन भी हो और साथ साथ मुझे मेरे लिए मोटिवेशन भी हो ताकि मैं फर्दर अपनी इस चीज़ के ऊपर एफर्ट्स एग्जिट कर सकूँ और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और प्यार से लेक्चर तैयार कर सकूँ सो होप फॉर द बेस्ट थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ